होगा, उल्टा चलेंगे हमें डिसेंडिंग में, ठीक है। असेंडिंग में सीधे चलेंगे और डिसेंडिंग में हम वापस लौटेंगे उल्टे, ठीक है। अब ये देखिए आप 75, 57, 48, 90 हमें किधर चलना है, बड़े से छोटा, इनमें आप देखिए बड़ा कौन है, 92 ये चला गया। अब आप इनमें देखिए बड़ा कौन है, 75 ये चला गया। अब आप इनमें देखिए दोनों में कौन है बड़ा, 57 ये चला गया। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, 48। अब आप इसको एक बार चेक कीजिए कि आपने उल्टे चलेंगे क्या, 92, 75, 57, 48, ठीक है, उल्टी गिनती है। अब इसमें देखो 26, 62, 61, 72, तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 72, पहले हम इसको निकाल देंगे। उसके बाद में देखो ये 26, ये 62, तो इनमें बड़ा कौन है, 62 आपका ये चला गया। अब 26 और 61, इनमें 61 और लास्ट में हम छोटा कर लेंगे 26। चेक करेंगे आप एक बार 72, 62, 61, 26 उल्टी गिनती है तो राइट आपका। इनमें देखो आप 95, 85, 75, 99, तो सबसे बड़ा हमें क्या दिखाई दे रहा है, 99। हम यहाँ पे 99 को निकाल देंगे। उसके बाद देखिए आप 95, आपका 95 चला गया घुमा। और देखो 85 और 75 में कौन आएगा, 85, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 75। चेक कीजिए 99, 95, 85, 75 उल्टी गिनती है तो ये आपका राइट है। अब देखो आप 77, 67, 87, 60, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, 87। हमने यहाँ क्या लिखा, 87, ठीक है। उसके बाद में 77 लिख गया, फिर आपका क्या आएगा 67, और फिर लास्ट में आपका क्या आएगा 60। तो याद हमने क्या देखा, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटा, और पिछली क्लास में आपने क्या देखा था, असेंडिंग ऑर्डर। इसको आप मतलब कैसे याद रखेंगे, ये देखिए आप इस पहले ए से शुरू हो रही है ना, तो ए से हम पढ़ते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं, ए से बीसीडी की, मीन्स आपको सीधा चलना है। और डी आपका डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ये मैं आपको याद रखने के लिए, जैसे कई बच्चों को दिक्कत नहीं रहता क्या करना है इसलिए बता रही हूँ। तो ये स्पेलिंग क्या है, डी मतलब बाद में आता है ना, तो यहाँ हमें उल्टा चलना है, ठीक है। जैसे डी के बाद सी,